ओके इंट्यूशनिज्म, इंट्यूशन से इंट्यूशनिज्म आता है। तो एक इंट्यूशनिज्म क्या है, ये बिलीव कि इंट्यूशन तुमको सही चीज बता देता है आउटराइटली कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ठीक है। इंट्यूशनिज्म क्या है, इंट्यूशन तुमको बता देता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट नीड ऑफ कॉन्शियस रीजनिंग। मतलब देख कहते हैं इंस्टिंक्ट मेरा बोल रहा है, मतलब कंडीशन देखा बिना सोचे समझे इंस्टिंक्ट हमको बता रहा है कि सही है गलत है। तो इंट्यूशनिज्म क्या बोलता है कि तुम थ्रू इंट्यूशन जान सकते हो क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। हालांकि ये थ्योरी अभी उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, मूर जो था इसका प्रोमिनेंट थिंकर था। ये थ्योरी बेसिकली कुछ कुछ चीज बोलता है। अब तुमको ये क्या बोलता है कि देयर आर सम ऑब्जेक्टिव मोरल रियलिटीज और वो मोरल रियलिटीज आर नॉट डिड्यूसेबल या रिडक्टेबल। मतलब वो मोरल रियलिटी अपने आप में मोरल रियलिटी है, उसको तुम और तोड़ नहीं सकते हो या तुम उसको डिड्यूस नहीं कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक सेइंग व्हाट इज गुड, तो गुड इज गुड, इसको तुम फर्दर ब्रेक नहीं डाउन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कहता है कि देयर आर सम ऑब्जेक्टिव मोरल रियलिटीज, जो चीज सही है वो ऑब्जेक्टिव है, उसको तुम वो ऑब्जेक्टिव है इन द सेंस उसको फर्दर डिड्यूस, जैसे कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हर जगह डिड्यूस कर रहे थे ना कि अच्छा ये चीज सही होने का कारण ये चीज था। फॉर एग्जाम्पल कांत बोलेगा रीजन से जस्टिफाई कर सको तब सही है, ठीक है। रीजन वीजन कुछ नहीं, वो चीज सही है इसलिए सही है। तो देर आर सम ऑब्जेक्टिव मोरल रियालिटीज, ठीक है, और दे कैन नॉट बी फर्दर डिड्यूस और रिड्यूस्ड, एंड थ्रू इंट्यूटिंग यू कैन नो, मतलब ह्यूमंस हैव कैपेसिटी टू इंट्यूट एंड नो दोज मोरल रियालिटी। इसका मतलब है कि जब भी किसी कंडीशन में तुम होते हो सडनली तुमको इंट्यूशन आएगा कि ये चीज सही है ये चीज गलत है, और जो चीज सही है चूंकि उसको फर्दर तुम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसके पीछे का रीजनिंग नहीं खोजना है, तो वो चीज सही है, बस सही है तो सही है। दिस इज मोरल इंट्यूशनिज्म, ठीक है। ये लोग ये नहीं बोलते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स डिसीजन का जवाब इंट्यूशनिज्म देता है, ये बोलता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स तुम्हारे दिमाग में फ्लैश होंगे, उसके बाद तुम अपना लॉजिक वॉजिक जोड़ के जस्ट लेके मतलब जोड़ के अपना तुम रीजनिंग निकालो। अब इसका काउंटर व्यू है, मतलब बहुत लोगों ने इसको काउंटर किया है, मतलब बोला कि मतलब ये सोचना कि ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ्स एग्जिस्ट करते हैं ये अपने आप में मतलब बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा कि इंट्यूट करने से हमको बस आ जाएगा, ये भी मतलब क्या ये देखने के जैसा सेंस है कि क्या सेंस है जो कि उस चीज को मोरल रियलिटी को कैप्चर करता है या फील कर लेता है या पकड़ लेता है, मतलब कौन सा ऐसा हमारा सिक्स सेंस है जो उस चीज को पकड़ लेता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ्स है, सिंस दीज आर ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ्स जो कि तुम्हारे बाहर है, ये ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ अपने आप में ट्रूथ है, राइट तो सब्जेक्टिव एलिमेंट इसमें कुछ है नहीं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी तक कॉन्शियसनेस में सब्जेक्टिव एलिमेंट था, तुम्हारा हर एक चीज में सब्जेक्टिव एलिमेंट कहीं ना कहीं आ जाता है, बट ये चूंकि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जैसे कि बाहर है तुम उसको इंट्यूशन के थ्रू कैप्चर कर रहे हो या उसको परसीव कर रहे हो, राइट, इंट्यूशनिज्म ये बोल रहा है। तो तीसरा जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज इसका आता है और वो ये है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल हैं, तो सबको एक ही डिसीजन पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबको इंट्यूट करेगा तो सबको सेम चीज कैप्चर करना चाहिए। अगर कोई चीज पीला है तो सब देखेगा तो बोलेगा ना पीला है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, सारे लोग मोरल डिसीजन एक ही जगह पे नहीं पहुंचते हैं, इसका मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली चैलेंज है इंट्यूशन का। अगेन इंट्यूशनिज्म जो है बोलता है रीजनिंग का कोई जगह नहीं है, बहुत ज्यादा मोरल ट्रूथ जानने में जगह नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बोलता है मोरल ट्रूथ तो इररिड्यूसिबल है, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, उसका फर्दर मतलब तुम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो कि क्यों ये अच्छा है, राइट। तो इस सेंस में इंट्यूशनिज्म है,
और इस सेंस में इसका क्रिटिसिज्म है। जस्ट इन केस पूछ लिया जाए तो, इससे पहले अगर पूछा भी कुछ जाएगा तो कॉन्शियसनेस पूछने का ज्यादा चांस है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस को उस तरह से देखना, बट इंट्यूशन में समथिंग डिफरेंट, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल कॉन्शियसनेस इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, उससे रिलेटेड इमोशन है, इंट्यूशन से रिलेटेड इमोशन नहीं है। जस्ट समझने की कोशिश करो, इंट्यूशन सिंपली तुमको बोलते नहीं होता है सही है गलत है ये बोलता है, बट उससे रिलेटेड एसोसिएटेड पेनफुल फीलिंग नहीं है। कॉन्शियंस के साथ एसोसिएटेड पेनफुल फीलिंग है, कॉन्शियंस सब्जेक्टिव है, इंट्यूशन इंट्यूशनिज्म के हिसाब से क्या मॉरल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स विच आर इररिड्यूसिबल विच कैन बी अंडरस्टूड और परसीव थ्रू इंट्यूटिंग एंड ह्यूमंस हैव दैट कैपेसिटी टू इंट्यूट, ठीक है। उस तरह से तुम ये सच्चाई जानते हो, ठीक है। ये हो गया इंट्यूशनिज्म।